हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था कि एसएससी की तरफ से अपकमिंग रिक्रूटमेंट कब आएगी एमटीएस की। तो बहुत ही खुशखबरी निकल के आई है, एसएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2024-25 के लिए सारी डेट्स वगैरह आ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का जो 2024 का रिक्रूटमेंट है, उसका क्या सब आपको डिटेल रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन पोस्ट पर आया है, कितना सीट है, सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है, एसएससी की तरफ से एमटीएस की न्यू रिक्रूटमेंट के लिए डेट्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं 2024 के लिए। आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएससी होता क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है, आयोग होती है, जिसके थ्रू डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन विभागों के अंतर्गत एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, साथ ही साथ हवलदार की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगा, जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें क्या डेट रखा गया। तो आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, 7 मई 2024 से फॉर्म स्टार्ट होगी एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 6 जून 2024 रहने वाली है। तो जैसा कि अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं अभी से आपको क्यों बता रही हूँ, इसका एक मोटिव ये भी होता है फ्रेंड्स कि आप इस जो डेट है ना, इसको आप गांठ बांध दो, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो। कोई भी एग्जाम अगर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा तो ऐसे आप तैयारी तो कर नहीं पाओगे, सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने एक सीट को अचीव कर पाओ, तैयारी अच्छी कर सको। तो 6 महीना एक अच्छा खासा टाइम होता है अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम होगा, ये आपका जुलाई अगस्त के महीने में होगा 2024 में। तो जुलाई अगस्त को ध्यान में नहीं रखिए, आप बस सोचिए कि मई में फॉर्म आ जाएगा, उस हिसाब से अपना आप तैयारी करिए, सिलेबस वगैरह कंप्लीट करिए। टोटल पोस्ट की बात करें कि कितना सीट पर वैकेंसी आ सकता है, तो हर साल एमटीएस के थ्रू एसएससी जो है एमटीएस का कंडक्ट करती है वैकेंसी, उसमें आपको कम से कम अगर सीट आता है ना तो 5000 सीट आता है। और लास्ट ईयर आप देख सकते हो जैसा कि 12000 तक के सीट आई है, तो आप ये मान के चलो कि 10000 तक के सीट आने वाली है और आपको एक सीट अचीव करना है। तो आगे बता दूं कि किन किन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली जिन्होंने 10th पास आउट किया, डजंट मैटर क्या आपका परसेंटेज है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एज की लिमिट जो होती है, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एमटीएस की पोस्ट के लिए होती है, और हवलदार की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को मिलेगा 3 ईयर्स का एंड एससीएसटी को मिलता है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो एज में भी आपको रिलैक्स मिलेगा। अब बात रही कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या चार्ज लगने वाला है, तो मैं बता देती हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज, वहीं पर एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट से कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, किन किन स्टेज से गुजर के आपका यहाँ पर चयन होगा। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस फॉर एमटीएस एंड 4 स्टेजेस फॉर हवलदार की पोस्ट। मतलब कि अगर एमटीएस के लिए सिंपली आप करोगे तो सीबीटी एग्जाम होगा, सेशन 1 सेशन 2 कंबाइंड पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम। हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल होता है और सिंपली एमटीएस के लिए सीबीटी एग्जाम, डीवी एंड मेडिकल। मतलब एग्जाम पास किए आप और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर मेडिकल करके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम की क्या पैटर्न यहाँ पर रहने वाली है।
तो फ्रेंड्स आपका जो पेपर होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें दो सेशन में पेपर होता है, सेशन वन सेशन टू। अब आप सोच रहे होंगे कि दो दिन पेपर होगा, जी नहीं, एक ही दिन पेपर होगा, एक ही समय में 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का एग्जाम होगा, 90 क्वेश्चन आपको रहेंगे। अब मैं समझा देती हूँ कि 90 मिनट को जो 45-45 मिनट में बांटा गया है कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले सेशन वन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सेशन वन जो आपका होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और ये 45 मिनट का होता है। इसमें आपको 40 प्रश्न रहेंगे 120 मार्क्स के लिए। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैथ का 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन भी आपका 60 मार्क्स के लिए रहता है। मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग नेचर है तो पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो जनरल के जो कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 30% लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% लाना है, एससी एसटी को 20%। सिर्फ और सिर्फ ये पासिंग के लिए आपका रहता है, आपको पास कर जाना है। सेशन टू में जो रहेगा 50 क्वेश्चन 150 नंबर के लिए, टाइम रहता है आपका 45 मिनट का, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जीके एंड सीए, जीके और करेंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए रहेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए होंगे। और यहाँ पर नोट ध्यान देने वाली बात यह होती है कि सेशन वन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन सेशन टू में आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इन सब चीजों में आप सोच रहे होंगे, जैसे सिंपली पहले आप देते थे ना एमटीएस का पेपर, डेढ़ घंटे का पेपर होता था, 100 प्रश्न रहते थे, ओवरऑल सारा आपका मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश जहां से मन होता था बना लेते थे। लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया है, दो सेशन रहता है। सेशन वन में पहले आपका जब खुलता है तो उसमें आपको मैथ और रीजनिंग का रहेगा 40 प्रश्न, और जब वो खत्म करेंगे तो 45 मिनट के बाद आपका क्या सेशन होगा, सेशन टू, जिसमें सिर्फ इंग्लिश और जीके का रहेगा। तो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए जो फिजिकल होता है उसमें क्या सब रहेगा। चलिए देख लेते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका वॉकिंग का टेस्ट होता है। 1600 मीटर की रन जो आपको वॉकिंग होती है 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट को, 1 किलोमीटर की वॉकिंग 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है फीमेल कैंडिडेट्स को। हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर का। तो आपका 152.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर मेल का मिनिमम हाइट मान के चलेंगे। फीमेल्स के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर का, 149.5 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट रखा गया है। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 81-86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद वेट का जो कैलकुलेशन होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, मिनिमम वेट होना चाहिए 48 केजी। तो एग्जाम भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, फिर क्या होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ दोनों ही पोस्ट के लिए। MTS की पोस्ट के लिए लेवल 1 का सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में 18,000 रुपीज होती है, आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी पर मंथ की सैलरी होती है 22,000 रुपीज पर मंथ। हवलदार की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए होती है और आफ्टर इंक्रीमेंट 22,000 रुपीज आपके यहाँ पर सैलरी हो जाती है। रही बात, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, तो ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर होता है। एसएससी आपको आपके ऑप्शन देती है कि आप अपने पसंद के नियर बाय सिटी के 3 सेंटर चूज कर सकते हो, उन्हीं तीनों सेंटर में से कहीं पर भी आपका एग्जाम हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो कहीं के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे वहां के आपका जो एग्जाम सेंटर होंगे ना, उस जोन के लिए आपको वहां जाके एग्जाम देना होगा। सो आई होप कि सारे डाउट्स आपको एसएससी एमटीएस 2024 के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर डाउट रह गई हो, क्वेरीज हो कुछ,
कमेंट सेक्शन में पूछो, और आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे भी क्वेरीज पूछ सकते हो। सबका आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.